G20 समिट के बारे में रिसेंटली हम सब लोगों ने काफी कुछ सुना होगा। इंडिया ने G20 की एक मीटिंग जम्मू एंड कश्मीर में रखने का सोचा, जिसके बाद G20 काफी चर्चा में आ गया था ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड। उसके क्या रीजन है वो तो हम इस वीडियो में आगे चल के बात करेंगे, बट सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि G20 एक्चुअली है क्या। तो G20 एक ऐसा ग्रुप है 19 इंटरनेशनल कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन का, जो फ्रंट फुट पर आगे वर्ल्ड के फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर काम करता है। और हालांकि काफ़ी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं एज अ गेस्ट लेक्चरर, ताकि वो इन पर अपनी विशेष टिप्पणी दे सके और इनको क्योर करने में मदद कर सके। G20 खाली एक इकलौता ऐसा ग्रुप नहीं है वर्ल्ड में, और भी ऐसे ग्रुप हैं जैसे कि G7, क्वाड एक्सेट्रा, जो इन चीज़ों पर काम करते हैं। तो रिसेंटली इंडिया को चांस मिलता है G20 की मीटिंग होस्ट करने का अपनी होम कंट्री में। अब इसकी प्रेसिडेंसी जीतने के बाद ही इंडिया कुछ डेस्टिनेशन फाइनलाइज कर लेता है, और उस डेस्टिनेशन की लिस्ट में एक नाम ऐसा था जो काफ़ी अटपटा लगा पूरे वर्ल्ड को, जो था जम्मू एंड कश्मीर। उस बारे में तो हम इस वीडियो में आगे चल के बात करेंगे, बट सबसे पहले समझ लेते हैं G20 की हिस्ट्री, कि G20 की शुरुआत कब हुई और क्यों हुई। G20 की शुरुआत जून 1999 में की गई थी वर्ल्ड लीडर्स के जरिए, ताकि वो उस टाइम वर्ल्ड के क्राइसिस को सॉल्व आउट कर सके और साथ ही साथ ग्रीन एनर्जी और क्लाइमेट चेंज के ऊपर मेनली काम कर सके। अब वैसे तो इस कॉन्सेप्ट को लेके काफ़ी कंट्रीज जुड़ी एक साथ, बट एट दी एंड 20 कंट्रीज का एक फैक्ट बना जो इस चीज़ के ऊपर मेजरली काम करना शुरू कर गई थी। तो आज की इस वीडियो में हम तीन चीज़ों के बारे में मेजरली बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो कि G20 वर्ल्ड में क्या रोल प्ले करती है, सेकेंडली इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी मिलने से क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, और थर्ड कि G20 को कश्मीर में कंडक्ट करने से हमें फ्यूचर में क्या इसके फायदे दिख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं ये जान के कि वर्ल्ड में G20 क्या रोल प्ले करती है, बट उस चीज़ को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि G20 में कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है। तो ये कुछ लिस्ट है उन कंट्रीज की जो G20 में इन्वॉल्व है, जिसमें आता है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, ब्राज़ील, जर्मनी, फ्रांस, इटली, साउथ अफ्रीका, टर्की, जापान, कैनेडा, चाइना, इंडोनेशिया, इंडिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सऊदी अरेबिया, रशिया, USA, यूनाइटेड किंगडम एंड यूरोपियन यूनियन। तो इन सब कंट्रीज़ के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं कि इसमें कई कंट्रीज ऐसी हैं जो डेवलप्ड नेशंस हैं और कुछ डेवलपिंग हैं। तो इन शॉर्ट ये जो G20 का पैक्ट है, ये वर्ल्ड में सबसे पावरफुल पैक्ट है, क्योंकि ये किसी भी कंट्री को इकोनॉमिकली सपोर्ट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ G20 के फॉर्म होने के मेन रीज़न ये थे कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करना, इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर बात करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर बात करना और वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल में रखने के लिए। अब इन सब चीज़ों के ऊपर पिछले कई सालों में कई बार डिस्कशन हो चुकी है, बट रिसेंटली अगर हम डाटा की बात करें जो इन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन हुई है, तो वो कुछ इस तरह से है कि 2011 और 12 में एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्रियल लेवल पर कई बार मीटिंग्स हो चुकी हैं, 2012 और 13 में फॉरेन मिनिस्ट्रियल लेवल पर मीटिंग्स हो चुकी हैं, 2012 और 14 में ट्रेड मिनिस्ट्रियल लेवल पर कई बार मीटिंग्स हो चुकी हैं, और 2010 के बाद लगातार अनएम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्रियल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स हो चुकी है। इन शॉर्ट अगर इन डाटा से हम ये समझ सके तो ये है कि पिछले कुछ सालों में कई ज़्यादा डिसीजंस लिए गए हैं इन चीज़ों को कोप अप करने के लिए, और काफ़ी सुधार भी लाया गया है हमारी सोसाइटी में अभी तक G20 के। और G20 का एक और की मेन रीज़न ये है कि ये सिर्फ उन देशों पर फोकस नहीं करता जो इसके पार्ट है, बल्कि उन देशों को भी सपोर्ट और उनके ऊपर फोकस करता है जो इसके पार्ट नहीं है। और इसी के साथ G20 इन शॉर्ट वर्ल्ड की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। अब दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी मिलने से क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो G20 की प्रेसिडेंसी डिफरेंट कंट्रीज में रोटेट कर रही थी कब से, बट स्टिल अभी तक लास्ट 2 डिकेड्स में से इंडिया को एक बार भी चांस नहीं मिला था G20 को होस्ट करने का। बट शायद से 2014 से पहले इंडिया की लीडरशिप को इतना स्ट्रॉन्ग कंसीडर नहीं किया जाता था, बट 2014 के बाद ये सिनेरियो बिल्कुल ही चेंज हुआ हमें देखने को मिला, क्योंकि इंडिया की पावर डिफरेंट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर हमें देखने को मिली फ्रंट फुट पर, चाहे वो USA का हाउडी मोदी हो और रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट किया गया एक ऐसा ही कॉन्फ्रेंस।
उसके बाद से इंडिया की पावर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर दिखना शुरू हो गई थी और इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह देखे जाने लग पड़ा। अभी जो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में कॉन्सर्ट अटेंड किया गया था पीएम मोदी के जरिए, उसी कॉन्सर्ट को हमें देख के पता चलता है कि वेयर वी स्टैंड टुडे इन दिस वर्ल्ड। तो जो लास्ट प्रेसिडेंसी थी G20 की वो थी इंडोनेशिया के पास, और इंडोनेशिया और इंडिया के टाइज काफ़ी स्ट्रांग माने जाते हैं। इस बारे में हम आगे चल के इस वीडियो में बात करेंगे, बट फाइनली इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी दे दी जाती है। और ये प्रेसिडेंसी मिलना इसलिए भी बड़ा था क्योंकि अब इंडिया उन देशों को लीड करने वाला था जिन्होंने हम पर कई सौ साल राज किया था, और साथ ही में उन देशों को भी लीड करने वाला था जिन्होंने कभी भी इंडिया को सपोर्ट नहीं किया और कारगिल वॉर में भी दूसरे देशों का साथ दिया इंडिया के बजाय। तो आज इंडिया उन्हीं को रास्ता दिखाने वाला था फ्रंट फुट पर आके। हम भारतीयों को गर्व की बात थी ये सारी। एंड प्रेसिडेंसी मिलने के साथ ही इंडिया में सब देशों को वर्ल्ड लीडर दिखना शुरू हो गया था, और ये गर्व की बात थी हम भारतीयों के लिए। बट साथ ही में ये गर्व की बात इसलिए भी थी क्योंकि जो 18th G20 की मीटिंग कंडक्ट हो रही थी इंडिया में, ये इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया में फर्स्ट टाइम कंडक्ट हो रही थी। इंडिया की G20 की प्रेसिडेंसी की शुरुआत 1 दिसंबर 2022 को हुई, बट रियलिटी में ये प्रेसिडेंसी इंडिया को 2021 में मिलने वाली थी। बट हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इटली के प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करी कि वो 2021 की मीटिंग इटली में रख लें और 2022 का मौका इंडिया को। क्यों? क्योंकि 2022 में इंडिया 75th इंडिपेंडेंस डे मनाने वाला था, बट जब बाद में इंडोनेशियन प्राइम मिनिस्टर ने हमारे प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करके 2022 की G20 की प्रेसिडेंसी की डिमांड की, तो हमारे प्रधानमंत्री ने उन्हें ये मौका दे दिया। एंड इंडिया की जो G20 की प्रेसिडेंसी की मीटिंग का थीम है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चूज किया गया है, जिसका नाम है वासुदेव कुटुंब, जिसका संस्कृत में मीनिंग है वन फ्यूचर वन अर्थ वन फैमिली। अब ये जो वर्ड है ये संस्कृत के हिंदुओं के ग्रंथों से लिया गया है जिसका नाम है महाउपनिषद। एंड ये जो थीम चूज किया गया है इंडिया के जरिए, ये मेनली फोकस करता है वैल्यू ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन एनिमल्स प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड उनके इम्पोर्टेंस हमारे वर्ल्ड में। इन शॉर्ट ये फोकस करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लाइफ एंड उसे प्रमोट एंड एनहेंस करना एट द सेम टाइम। इंडियन मार्केट वर्ल्ड की सबसे बड़ी ग्रीन एनर्जी मार्केट में से एक है, और G20 का मेन पर्पस ये है कि वर्ल्ड को ग्रीन एनर्जी की तरफ पुश करना। तो ये मीटिंग गेम चेंजर काउंट हो सकती है इंडिया के लिए क्योंकि ये इंडियन मार्केट और इंडस्ट्रीज को ग्रीन एनर्जी की तरफ पुश कर सकती है, एंड इस सेक्टर की डेवलपमेंट डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकती है इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने। एंड इन फ्यूचर इंडिया माइट बी द फर्स्ट एवर ग्रीन एनर्जी एंड ग्रीन प्रोडक्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, एंड ये सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना सकता है इंडिया को वर्ल्ड में। एंड जो G20 की फाइनल मीटिंग है इंडिया में वो सितंबर में होने वाली है दिल्ली में, और जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 43 हेड्स ऑफ डेलीगेशन शामिल होने वाले हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में, जो G20 की हिस्ट्री में सबसे बड़ी मीटिंग काउंट होगी। अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की कि इंडिया को G20 की मीटिंग कश्मीर में रखने से क्या फायदा होने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया को G20 की मीटिंग कश्मीर में रखने से क्या फायदा होने वाला है, इंडिया को इससे फ्यूचर में क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। इस सिनेरियो को समझने से पहले हम कुछ वॉर्स की बात कर लेते हैं जो आज तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुए हैं कश्मीर इशू को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट कश्मीर वॉर की, जो 22 अक्टूबर 1947 को स्टार्ट हुई थी और 5th जनवरी 1949 को खत्म हुई थी। इस वॉर की अगर हम सिनेरियो की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ जो कश्मीर था वो पाकिस्तान के पास चला गया था इस वॉर के बाद, और जो बाकी का रिमेनिंग कश्मीर था वो इंडिया के पास था। और क्योंकि हमारे जो इंडियन लीडर्स थे उस पॉइंट पे उस टाइम पे वो पाकिस्तान का बुरा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी आर्मीज वापस बुला ली। और अगर हम कैजुअलिटीज काउंट की बात करें इस वॉर के दौरान तो अप्रॉक्सीमेटली 6,279 इंडियन सोल्जर्स की डेथ हुई थी और अप्रॉक्सीमेटली 20,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए, और एट द एंड यूनाइटेड नेशंस ने इन दोनों देशों का समझौता करा दिया था। बट सेकेंड कश्मीर वॉर की अगर हम बात करें तो वो दो फेसिस में लड़ी गई थी। सबसे पहला फेस अगर इसका लड़ा गया था वो था 8 अप्रैल से लेकर 30 जून 1965 तक, और जो इसका सेकेंड फेज था वो था 5 अगस्त से लेकर 30 सितंबर 1965। उसके बाद हुई इंडो पाक वॉर 1971, फिर सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट जो 1984 से लेकर 2003 तक चला था, उसके बाद हमारी आई कारगिल, और ना जाने कितनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स और ना जाने कितने ज़्यादा मिलिट्री ऑपरेशंस, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को अपने देश से ज़्यादा प्यारा कश्मीर का एक छोटा सा हिस्सा है।
और ये मौका इंडियन गवर्नमेंट के लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट था कि रिटेलिएट करके नहीं बल्कि सारे वर्ल्ड के डेलीगेट्स की प्रेजेंस काउंट करके कश्मीर को अपना बताने का पूरे वर्ल्ड को। और शायद से पाकिस्तान जो स्टार्टिंग से ही इंडिया में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म प्रमोट करते आया है, उसने जब G20 की गेस्ट अपेयरेंस के लिए उसे न्योता भेजा गया तो उसने आने से मना कर दिया, क्योंकि ये जो मीटिंग थी ये कश्मीर में रखी गई थी। एंड ये सबसे बेस्ट तरीका था जम्मू एंड कश्मीर के टूरिज्म और एम्प्लॉयमेंट को एनहेंस करने के लिए। इससे बेस्ट तरीका आज तक गवर्नमेंट के लिए हो ही नहीं सकता। ये परफेक्ट मोमेंट थी यहाँ पर ये दोनों काम एक साथ हो जाते। और साथ ही में जो लोग आज तक कश्मीर जाने से इसलिए डरते थे कि वहाँ पर टेररिज्म है, आज या तो वो G20 को विटनेस करने के लिए कश्मीर में प्रेजेंट है या तो वो G20 की वीडियोस देख के प्लान बना रहे हैं कश्मीर जाने का। आपके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का ये स्टेप सही था या गलत था, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मुझे सपोर्ट कीजिएगा। एंड जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।